सतगुर बंदी छोड़ है, बंदी छोड़ है, बंदी छोड़ है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप सबनों चढ़दी कला टाइम टीवी दे समूह परिवार वालों बंदी छोड़ दिवस दियां लख लख वधाइयां। सतगुर बंदी छोड़ है, जीवन मुक्त करे उडीना। बंदी छोड़ दिवस अस्सू महीने च मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण सिख त्यौहार है। इस दे नाल सिख इतिहास दियां कई प्रमुख घटनावां जुड़ियां होईयां ने। मुख रूप च सिख इतिहास नाल इस त्यौहार दा संबंध उस समय तो जुड़िया जदों मीरी पीरी दे मालिक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ग्वालियर दे किले विचों 52 राजा समेत रिहा होकर श्री अमृतसर साहिब पहुंचे सन। पंजवें पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी साहिब जी की बेमिसाल अते शांतमई शहादत ने सिख इतिहास एक क्रांतिकारी मोड़ लियांदा सी। सतगुरां दी अदुत्ती शहादत तो बाद छेवें पातशाह साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने गुरगद्दी की परंपरागत रसम नूं समय की लोड़ मुताबक बदलिया अते गुरियाई धारण करते समय मीरी ते पीरी दियां दो किरपानां पहनियां अते श्री अकाल तख्त साहिब जी की सिरजना की, जिथे दीवान सजदे अते गुरबाणी कीर्तन के नाल नाल बीरसी वारां भी गाईयां जाण लगियां। गुरु साहिब ने सिख संगतां नूं दर्शनां लई आउंदे समय चंगी नसल के घोड़े अते शस्त्र लिआउण दे आदेश जारी किए। अणखीले गभरूआं की फौज तैयार करन लई उहनां नूं जंग की ट्रेनिंग दित्ती जाण लगी। लोहगढ़ किले की स्थापना भी की गई। इस सब तों बाद गुरु घर के विरोधियों ने गुरु साहिब विरुद्ध जहांगीर के कन्न भरने शुरू कर दिते। जानकारी के मुताबिक सिख धर्म के वाधे प्रभाव नूं वेखदे होए छेवें पातशाह साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने पंजाब च बगावत नूं शह देण दे दोष हेठ नज़रबंद करन दा हुक्म दे दिता गया ते हरगोबिंद साहिब जी नूं ग्वालियर दे किले च कैद कर दिता गया, जिथे पहला ही 52 राजे कैद सन। जदों जहांगीर ने श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं कैद किया तां जहांगीर बहुत बीमार पै गया। काफ़ी इलाज के बाद वह ठीक नहीं हो रहा सी। तद बादशाह दे काजी ने उसनूं सलाह दित्ती कि उसकी इस बीमारी का कारण गुरु साहिब नूं कैद करना है। जेकर वह तंदुरुस्त होना चाहता है तो उसनूं गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं तुरंत छड्डना चाहिए। कहिंदे ने कि अपने काजी की सलाह उत्ते काम करते हुए जहांगीर ने तुरंत गुरु साहिब नूं छड्डन का आदेश जारी कर दिता, पर गुरु हरगोबिंद जी ने इकले रिहा होने तो इनकार कर दिता। उन्होंने कहा कि वह जेल तो बाहर उदों जाणगे जदों उन्होंने नाल नाल सारे 52 हिंदू राजिया नूं भी रिहा किया जाएगा। गुरु जी का हठ वेखते हुए जहांगीर नूं सारे राजिया नूं छड्डण दा आदेश जारी करना पिया, पर यह आदेश जारी करते समय जहांगीर ने एक शर्त रख दी। उसकी शर्त सी कि कैद विच गुरु जी दे नाल नाल सिर्फ उही राजे बाहर जा सकणगे जो सीधे रूप च गुरु जी का कोई अंग या कपड़ा फड़ के बाहर जाणगे। उसकी सोच सी कि इकट्ठे ज़्यादा राजे गुरु जी नूं छू नहीं पाउणगे अते इस तरह बहुत सारे राजे उसकी कैद च ही रह जाणगे। जहांगीर की चलाकी वेखते हुए गुरु जी ने एक विशेष किस्म का चोला साहब सिलवाया, जिस च 52 कलियां बनिया हुई सन। इस तरह एक एक कली नूं फड़ के सारे 52 राजे जहांगीर की कैद चो आज़ाद हो गए। जहांगीर की कैद तो आज़ाद होने तो बाद जदों गुरु हरगोबिंद साहिब जी वापस अमृतसर साहिब पहुंचे तो पूरे गुरु घर च दीवे जगा के गुरु साहिब का स्वागत किया गया। इस दिन तो छेवें पातशाह साहिब श्री गुरु हरगोबिंद जी ने बंदी छोड़दाता के नाँ नाल भी जाणिया जाण लग पिया। रिहाई तो बाद साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी अमृतसर साहिब विखे पुजे तो उस दिन दिवाली का दिन सी। सिख संगतां ने घरां विच घिओ दे दीवे जगाए, श्री हरिमंदर साहिब विखे खुशी च दीपमाला की गई। बाद च इस दिन नूं बंदी छोड़ दिवस वजो मनाया जाण लग्या। सतगुर बंदी छोड़ है, बंदी छोड़ है, बंदी छोड़।